आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जब हमारे लाल दानव सूर्य के साथ हमारे 8 ग्रहों का जन्म हुआ, जिनमें 4 थे गैस दानव और 4 पथरीले ग्रह, और वो थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जरा रुकिए, क्या आपने ध्यान दिया, मैंने यम ग्रह का नाम नहीं लिया। लेकिन क्यों दोस्तों, इसके बारे में आपने किताबों में या स्कूल में तो जरूर पढ़ा होगा, और आपने यह भी पढ़ा होगा कि यह हमारा दूर का सबसे छोटा 9th प्लेनेट है, पर मैंने इसका नाम नहीं लिया। लेकिन आखिर क्यों, आखिर यह भी तो हमारा 9th प्लेनेट है। यदि दोस्तों आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि 24 अगस्त साल 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के द्वारा अपनी 26वीं जनरल असेंबली में प्लूटो को एक दूसरी श्रेणी में रख दिया गया, और इस श्रेणी का नाम था ड्राप प्लेनेट यानी कि बौने ग्रहों की श्रेणी में। इसका मतलब यह हुआ कि साल 2006 को IAU के द्वारा प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था, और इसी के साथ एक और पिंड था जिसका नाम था सीरिस, इसे भी इसके साथ ही ड्राप प्लेनेट घोषित कर दिया गया। खैर, सीरिस के बारे में हम किसी अन्य एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था प्लूटो के साथ जो इसे ग्रहों की श्रेणी से ही निकाल दिया गया? क्या प्लूटो का अस्तित्व नहीं रहा या यह अभी भी मौजूद है? चलिए जानते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं सूरज और स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 250 साल पहले जब हमारे प्राचीन विद्वानों के द्वारा एक ग्रह देखा गया था जिसका नाम था अरुण। हालांकि उस समय हमारे विद्वानों को यह पता नहीं था कि यह एक ग्रह है, क्योंकि यह इतना ज्यादा दूर है कि इसके माध्यम से आने वाली रोशनी एक तारे की चमक जैसी प्रतीत होती है, और फिर उन विद्वानों ने इसे एक तारा ही समझा और इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया। परंतु 13 मार्च 1781 में हमारे महान वैज्ञानिक विलियम हर्सल ने एक ग्रह की घोषणा की, और वो था अरुण, और तब यह पहला ग्रह बन गया जो दूरबीन द्वारा खोजा गया था। साल 1840 जब हमारे महान वैज्ञानिक अरविन ले वेरियन ने हमारे वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून की भविष्यवाणी कर दी, और यह पहला ग्रह था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी। उन्होंने पाया कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई पिंड अपना प्रभाव डाल रहा है, यानी कि कोई अज्ञात पड़ोसी ग्रह अपना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल रहा है, और 23 सितंबर 1846 को इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। लेकिन जैसे ही हमें नेपच्यून के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली, तब वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस के ऑर्बिट को केवल नेपच्यून ही नहीं बल्कि उसके भी पीछे कोई चीज अपना प्रभाव डाल रही है यानी कि डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अब यह कौन सी चीज थी जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रही थी? वैज्ञानिकों ने इस पिंड को खोजने के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाया, और साल 1906 को इस पिंड का नाम रखा गया प्लेनेट एक्स। लेकिन दोस्तों, अब आप मुझसे सवाल उठाओगे कि यह प्लेनेट एक्स क्या है और यह इसका नाम क्यों रखा गया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस पिंड के लिए सोचा था कि यह भी एक ग्रह हो सकता है, और यदि यह ग्रह हुआ तो यह हमारा 9th प्लेनेट बनेगा, और अमेरिकी गणितज्ञ पर्सिवल लोवेल के द्वारा इसका नाम प्लेनेट एक्स रखा गया। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमें यह मालूम नहीं था कि यह है क्या। वैज्ञानिक मानते थे कि यदि यह एक प्लेनेट है तो जरूर यह हमारे बुध ग्रह यानी कि मरकरी से बड़ा होगा, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इसके विपरीत थे, यानी कि उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया। और था भी यही, क्योंकि प्लूटो हमारे सभी ग्रहों से काफी अलग है। जहाँ सभी ग्रह हमारे सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में करते हैं, वहीं प्लूटो की कक्षा अंडाकार है, और इसी अंडाकार कक्षा के कारण ही प्लूटो लगभग 20 साल नेपच्यून के मुकाबले सूर्य के निकट रहता है। और हाल ही में ही जनवरी 1979 से फरवरी 1999 तक यह नेपच्यून के मुकाबले सूरज के निकट रहा था। यह सूर्य से इतना दूर है कि इसके सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है, और यह 17 डिग्री के कोण पर रहते हुए सूर्य के ऑर्बिट को पूरा करता है, और इसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में लगभग 248 पृथ्वी सालों का समय लगता है, यानी कि इसका एक साल हमारी पृथ्वी पर 248 साल के बराबर है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इसका एक साल कितना लंबा होता है हमारी पृथ्वी के मुकाबले। लेकिन फिर 18 फरवरी 1930 को हमारे महान अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बोक को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने प्लूटो ग्रह को खोज निकाला। हालांकि इससे भी पहले प्लूटो की तस्वीरें खींची जा चुकी थी, परंतु उस समय किसी ने इन तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही यह ग्रह हमारे सामने आया इसे 9th प्लेनेट घोषित कर दिया गया। किंतु प्लूटो की खोज के तुरंत पश्चात हमें पता चला कि यह ग्रह इतना छोटा है कि यह ग्रह किसी दूसरे की कक्षा में प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी कि पहले जो हमारे पास आंकड़े थे वो गलत साबित होने लगे। शुरुआत में वैज्ञानिक समझते थे कि इसका द्रव्यमान हमारे बुध ग्रह यानी कि मरकरी से ज्यादा होगा, और हो सकता है कि यह हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में इसका द्रव्यमान तो हमारी सोच से बहुत ज्यादा कम था। 22 जून 1978 यह वो साल था जब हमारे वैज्ञानिकों ने प्लूटो के एक चांद सेरोन की खोज की,
और इसी से हमें पता चला कि इसका वास्तविक द्रव्यमान बहुत कम है, यानी कि केवल पृथ्वी के मुकाबले 0.2%। फिर साल आया 2005 और इसी साल से हमारे प्लूटो ग्रह का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि इस साल हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात बोना ग्रह खोजा गया था, जिसका नाम था एरिस। इसका मास प्लूटो से 27% ज्यादा व हमारी धरती के मुकाबले केवल 0.27% ही है। और यह पिंड एरिस जो काइपर घेरे से भी बाहर बिखरेचक नामक क्षेत्र में स्थित है, इसने IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ग्रहों की परिभाषा बदलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इस पिंड में ऐसा क्या था जिसके कारण वैज्ञानिक ग्रहों की परिभाषा बदलने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, हुआ यूं था कि साल 2004 को इस काइपर घेरे से हाउमेया और माके नामक पिंड मिले थे, और फिर साल 2005 को एरिस की खोज हुई थी, जिसमें हाउमेया और माके प्लूटो से छोटे व एरिस प्लूटो से बड़ा था। और इन पिंडों की खोज के बाद IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ऐसे न जाने भविष्य में कितने पिंड हमारे सामने आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि या तो ये सभी ग्रह हैं या फिर प्लूटो को भी ग्रह बुलाना बंद कर देना चाहिए। और फिर ग्रहों की परिभाषा में कुछ बदलाव किए गए जो इस प्रकार हैं। पहला, ग्रह वही होगा जो सूरज का चक्कर लगाएगा। दूसरा, उस पिंड में इतना द्रव्यमान होना चाहिए या उसका इतना गुरुत्व बल हो जिसके कारण वह लगभग गोलाकार हो जाए। ये पहले और दूसरे पॉइंट को प्लूटो ने बखूबी निभाए। पर तीसरा, जो कि तब पिंड अपने आसपास के पिंडों को दूर रखे, और इसके अलावा उसमें इतना जोर हो कि यह बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। परंतु इस तीसरी अपेक्षा पर प्लूटो खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि सूरज की परिक्रमा के दौरान इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा से टकराती है। और यही वो तीसरा कारण था जिसके कारण इससे ग्रह का दर्जा 24 अगस्त 2006 को छीन लिया गया। परंतु अब सवाल था कि इसे अब क्या बुलाया जाए। तब एक नई श्रेणी ड्राप प्लेनेट यानी कि बोने ग्रह की श्रेणी बनाई गई, और तभी से इसे ड्राप प्लेनेट घोषित कर दिया गया। ध्यान रखें दोस्तों, इसे सिर्फ दूसरी श्रेणी में रखा गया है, इसे नष्ट नहीं किया गया, यानी कि इसका वजूद आज भी है और हम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि इसका वजूद मिटा सकें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सभी ने मिलकर साल 2006 तक प्लूटो की कहानी को जाना, और आने वाले एपिसोड में हम इससे भी आगे वाली कहानी को जानेंगे। सो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।